हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सोनी अख्तर हूँ। आ गई हूँ अनदर ब्लॉग लेके। अभी क्या है देखो, तैयार हो गया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं और अन्नू बाहर जाने वाला हूँ, बट बाहर जाने के लिए तैयार हुई हूँ। देखो अन्नू का शैतानी को देखो, देखो 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 शैतानी, देखो बॉल लेके अभी खेलना शुरू कर दिया। क्या हुआ, हमेशा तो मैं अन्नू का पापा के साथ मैचिंग ड्रेस पहनती हूँ, बट अभी क्या है ना, हमारा लल्ला ही मेरा हीरो है, मेरा अन्नू ही मेरा हीरो है, अन्नू ही मेरा जिंदगी है, तो मैंने अन्नू के साथ मैचिंग कर लिया है। और ऐसे भी मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोच लिया भाई चलो क्यों ना, जिंदगी भर तो किसी और के लिए कभी तो माँ बाप के लिए सुंदर बन के रहना पड़ती है, कभी तो पति के लिए, आज मैं खुद के लिए सुंदर बन लिया भाई, अन्नू के लिए। एक्चुअली अन्नू को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अच्छी ड्रेस पहनूं बा कोई भी, तो अन्नू बहुत बोलती है मम्मा सुंदर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो आज अन्नू के साथ मैचिंग कर लिया बाहर जाने के लिए, बट मैं ये सोच रही हूँ साड़ी पहन के मैं कैसे नीचे जाऊँ, मतलब लिफ्ट नहीं है तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा। अच्छा तो आके थोड़ा गाइस को हेलो बोल दो, तो आ जाओ मेरे गोदी में आ जाओ। अभी अभी वो बाहर, वो क्या है ना बाहर जाने का मूड में है, तो क्या हुआ अभी बाहर जाने का दो तीन रीजन है, क्योंकि अरे रखो शुशु कर दिया, बहुत बढ़िया है। बाहर जाने का कारण है, एक तो मेरा टीवी का रिमोट का जो बैटरी है वो खत्म हो चुकी है, अभी वो टीवी चल नहीं रही है। और आप लोग जानती है जब भी मैं लाइव में आऊँ तो अन्नो को मैं टीवी देखने के लिए बैठा देती हूँ, उसके बाद मैं लाइव आ जाती हूँ, तो अभी आज तो नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं टीवी का रिमोट भी लेके आऊंगी, अन्नू को थोड़ा रेस्टोरेंट में खाना भी खिला के ले आऊंगी। रेस्टोरेंट में ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फोन में घर पे छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि बाहर जाने से ना एक को फोन को पकड़ लो एक टेंशन है, अन्नू को पकड़ लो टेंशन है, इसीलिए मैं लेके नहीं जा रही। और दूसरी बात है मेरा जो घड़ी है, मैंने आज ख्याल किया जो घड़ी में 12 ही बजे ना 7 बज के एक ही जगह में है, मतलब उसका भी सेल खराब हो चुकी है, तो उसका भी सेल लेना पड़ेगा आज। So, इसीलिए मैं मेरा मन को, और ऐसे मौसम अच्छा है मेरे को ये बताना कैसे लगा, क्योंकि मैंने हमेशा मेट मेरे को साड़ी पहना देती है, जो सालमा मेरा मेट थी वो साड़ी पहना देती थी। और दूसरी बात है जो मेरा मम्मी जी है, मैं गांव में जितनी बार साड़ी पहना है मेरा मम्मी ने हेल्प किया है, आज मेरा अन्नू मेरे को हेल्प किया है, तो मेरे को साड़ी में कैसे लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना। और एक बात बताऊं मेरे और अन्नू को दोनों को कैसे लगा, अन्नू आ जाओ कमान, अन्नू ए देखो मेरा लल्ला है, देखो देखो लल्ला जी उधर उधर देखो, उस तरफ देखो, इधर इधर थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ देखो थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, तो पीछे आके उधर देखो, तो आ जाए मेरे पास लल्ला, आ जाओ मेरे हीरो आ जाओ। अभी क्या है वो मस्तन मूड में है, क्योंकि अन्नू अभी बहुत अच्छा खासा मूड में है, वो अभी नहीं आने वाला है क्योंकि उसको तो बाहर जाना है, कैसे भी करके बाहर जाके जूस पीना है, चॉकलेट खाना है, बस अन्नू को दो ही चीज है। और अन्नू को अभी क्या है ना, सैंडविच बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो आदत मैंने इंडिया से बनाया है, जब मेरे हम दोनों के पास खाने पीने का कुछ नहीं थी, और आप जानती है एक देश से दूसरे देश जाने के बाद क्या होती है, तो सैंडविच का आदत पड़ गया उसको, सैंडविच मैंने खिलाया मेट्रो में, जब भी मैं मेट्रो में जाती थी अन्नू को 100 रुपये का एक सैंडविच तो हर रोज खिलाती थी, तो सैंडविच पसंद है, तो अब जाती हूँ देखती हूँ, आप लोग देखते रहना हमेशा। अभी मैं बहुत हिम्मत लेके जा रही हूँ, बिकॉज एक तो बाहर बारिश है, मतलब बारिश अभी खत्म है बट गीला है सड़क। हाँ क्या हो गया ऐसा, तो एक बार गाइस को हेलो बोल दो, कैसे लगा वो तो बोल दो, आ जाओ गोदी में आ जाओ, ये मेरा लल्ला है। हाँ माँ माँ बेटा को कैसे लगा वो बताना, बोलो हेलो, बोलो कैसे हो, तुम्हारा नाम बताओ, बताओ अन्नू, वन टू बता रही है, आर टू नहीं बोला है मैंने। अच्छा बारी कहाँ है, दिल्ली, बोलो दिल्ली। अच्छा तो मम्मा माम को पापी करो सबको फ्लाइंग किस करो, पापा को एक फ्लाइंग किस करो, तो हम दोनों को कैसे लगा और जरूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरा लल्ला, और जो भी कमेंट्स करना तो माशाल्लाह बोल देना मेरे लल्ला के लिए, क्योंकि मेरा लल्ला जी है ना मेरा राजा जी को कोई नजर ना लग जाए, इसीलिए इसको माशाल्लाह बोल देना। देखो
अच्छा मैं चलो फिर से कर लेती। तो यही है हमेशा, तो मैं अनु का पापा से मैचिंग मैचिंग किया, आज देखो मेरा हीरो है मेरा बच्चा, मेरा अनु मेरा हीरो है। तो अभी से मैं तो ये भी सोच रही हूँ भाई अनु के तरह मैं हेयर कट भी ऐसे कर लूं, जो मेरा लल्ला, मेरा लल्ला का दोस्त मैं हूँ, डार्लिंग भी मैं हूँ, मैं सब कुछ मॉम भी मैं ही हूँ। अच्छा कुछ बोलो फलाई दिसो, तुम्हें किस बोलो बोलो फलाई दिसो। अब तुम कहाँ जाना है, अभी बाहर जाना है? अच्छा चलो जाओ बाहर, एक बार दिखा तो दो। हेलो बोलो सबको, बोलो हेलो, बोलो टाटा, फिर मिलूंगी। अच्छा गाल में चॉकलेट है। चलो गाल है चॉकलेट, तो यही बात है। तो देखो मेरा अनु और मैं अब हिम्मत करके जाऊं नीचे, क्योंकि साड़ी पहन के आप लोग जानती है औरती लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, साड़ी पहन के पैदल चलना, और मैं ओल्ड मैन नहीं हुई हूँ अभी तक, मेरे को इतनी आदत भी नहीं है, अकेला बहुत मेहनत करके साड़ी पहना है। अब ये पहले ये बताना मैंने साड़ी कैसे पहन लिया है, क्योंकि मैं बहुत ए है ना, ये पहनना बहुत आसान है, ये साड़ी बाटिक का है, तो इसीलिए मैं यही चूज कर लिया है, जब भाई बहुत आसानी से पहन लूँ और आसानी से नीचे चली जाऊँ। अब उसको गोदी में लेके कैसे जाना है, यही मैं सोच के मेरे को परेशान हो रही हूँ। हाँ बोलो, और बाहर जाने के बाद वो पैदल नहीं चलती। चूड़ी, तुम्हारा चूड़ी कहाँ है? तो ठीक है गाइस, तो अभी मैं जाऊं, माने तो बहुत रात हो जाएगा। अरे नहीं, तुम लड़का हो, चूड़ी नहीं पहन सकती। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज सब मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करना, और देखो भी बाय बोल रही है, तो बाय टाटा, फिर मिलूंगी आके लाइव में, मिलूंगी टाटा।